नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपी TSSC लोअर PCS एग्ज़ाम में देखिए अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आपको बिल्कुल जी जान लगा देना है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साल भर के जो भी महत्वपूर्ण आयोग और समितियाँ गठित की गई हैं, करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से दो प्रश्न पक्के बन सकते हैं, तो पूरे पहलुओं पर हम टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। 17 अगस्त 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाने हेतु रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016, नाम ध्यान रखिए, रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 और रक्षा खरीद मैनुअल 2019 की समीक्षा हेतु एक समिति के गठन को मंजूरी दी। वो कौन है? देखिए महानिदेशक अधिग्रहण की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला फैक्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है। 16 अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय ने चार धाम परियोजना, ठीक है, चार धाम परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं की समीक्षा हेतु एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है। किसकी अध्यक्षता में? दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं देहरादून पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में ये चार धाम जो परियोजना है इनके ये अध्यक्ष बनाए गए समिति के। 26 जुलाई 2019 को वर्ष 2020 एवं 2024 के ओलंपिक की तैयारियों के समन्वय और रणनीति बनाने हेतु एक 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं किरण रिजिजू की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। और चलिए बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए क्या क्या है भाई। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक लेखा समिति, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है, लोक लेखा समिति PAC होती है, वो किस गठन किया है, किसके इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वह देखिए क्या होते हैं, ये PAC के अध्यक्ष होते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी इस समय है तो इनको ये अध्यक्ष बनाया गया है। जून 2019 में केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण संबंधी मंजूरी को गति देने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया है। और ये किसके अध्यक्षता में दोस्तों? जो कैबिनेट सचिव हैं PK सिन्हा जी की अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 27 जून 2019 को केंद्र सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है आपका, आधार वर्ष 2011 देखिए 12 माना गया है कि वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु एक कार्यदल गठित किया है, जो आपका आधार वर्ष 2011-12 की जो वर्तमान श्रृंखला के अंतर्गत है, तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। ठीक है, तो करंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। 3 जुलाई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोर निवेश कंपनियों हेतु विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु कार्य समूह का गठन, इस कार्य समूह के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यपालक अध्यक्ष तपन राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों की एक 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय हाई लेवल की समिति गठित की गई है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है और ये 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति है और इसको केंद्र सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु ये गठित किया है। ठीक है, जून 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ निजी कंपनियों के गैस कनेक्शन पर सब्सिडी देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया है, डॉक्टर किरीट पारिख की अध्यक्षता में। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच में ये देखिए ये समिति गठन किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जून 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का कायाकल्प करने हेतु 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? सेबी के पूर्व अध्यक्ष UK सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है, 29 मई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉरपोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक 6 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया है और जो अध्यक्ष हैं दोस्तों इसे केनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा। 29 मई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, बैन एंड कंपनी के ये वरिष्ठ सलाहकार की अध्यक्षता में यह किया गया है। अगला फैक्ट देखिए क्या कह रहा है, 17 मई 2019 को विकासशील डिजिटल भुगतानों पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट RBI को सौंपी और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो विकासशील डिजिटल भुगतानों पर जो गठित समिति थी तो ये थे दोस्तों UID के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी, ठीक है। अप्रैल 2019 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPW द्वारा भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, जो CPWD के अतिरिक्त महानिदेशक थे MK शर्मा की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 मार्च 2019 को दिल्ली सरकार के थिंक टैंक संवाद और विकास आयोग DDC द्वारा राजधानी में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु एक 17 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कि DDC के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह की अध्यक्षता में किया गया है। 28 फरवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑफशोर रुपया बाजार पर एक कार्य दल का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष जो दोस्तों बनाए गए हैं पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट, ठीक है, पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी, इस समिति के अध्यक्ष थे तो दोस्तों डॉक्टर अनूप सतपथी, ठीक है, सतपथी, डॉक्टर अनूप सतपथी, नाम ध्यान रखिएगा। और 25 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा देश में जेलों की स्थिति का अध्ययन करने एवं जेल सुधार संबंधित सिफारिश करने हेतु एक 3 सदस्यीय गठित समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष दोस्तों न्यायमूर्ति अमिताभ राय की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों साल भर के पूरे चर्चित कह सकते हैं कि समिति और आपके इसका ये जो फैक्ट है यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों मैंने साल भर के जो महत्वपूर्ण सैन्य अभियान, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज पर वीडियो बनाई है, यूपी करंट पे बनाई है और साथ साथ 90 से अधिक वीडियोस आपको लोअर पीसीएस की पूरी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों मित्रों जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।